मुबारक मुस्लिम शरीफ की है, फरमाया कि जिसने किसी दूसरे को गुमराही की तरफ बुलाया तो इसको इस पर इस गुमराही की दावत देने का भी गुना, और वो जो इस गुमराही में फॉलो करेगा उसका भी गुना इसके ऊपर आएगा, बगैर इसके कि उस फॉलो करने वाले के गुनाह के अंदर कुछ कमी हो। तो बात यह है कि जो बंदा या तो गुनाह का तरीका शुरू करता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे मुल्क में किसी ने स्कूलों के अंदर ये डांस की और म्यूजिक की क्लासेस शुरू की, जिसको देखा देखी दूसरों ने शुरू की, इसका मतलब ये हुआ कि इसने बुरा तरीका इजाद किया। ठीक, अब पीछे 10,000 स्कूल भी शुरू करेंगे तो सबका गुनाह इसको जरूर मिलेगा, क्योंकि शुरू इसने किया। तो जिसने गुनाह का तरीका शुरू किया या जिसने दूसरे को गुनाह की दावत दी, दोनों सूरतों के अंदर बात वाले लोगों का गुनाह इस पहले वाले बंदे पर होता है। अब वो माँ बाप जो अपनी औलाद को ये नाजायज़ गुनाह चीज़ें सीखने के लिए भेजते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके गुनाह का तो मामला दूसरा हो जाता है कि नाबालिग के गुनाह लिखे नहीं जाते, लेकिन बड़े होके तो वो उसी को ही इस्तेमाल करके सारा वो कर रहा होता है ना गुनाह, तो उनके गुनाह जबकि वो बच्चे हैं उनको अभी गुनाह नहीं मिल रहा, लेकिन माँ बाप को फिर भी मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहीं मिल रहा लेकिन माँ बाप को मिल रहा है कि ये तो उसकी बुरी तरबियत के अंदर पूरे पूरे दखील है और पूरे पूरे उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और बड़े होकर जो जो वो करेगा इस मामले के अंदर उसका गुनाह इन माँ बाप को मिलेगा। हमारे दीन ने हमें बड़ी खूबसूरत तालीम दी है, फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम्हें हर बंदा निगेबान है और उससे उन अफराद के बारे में पूछा जाएगा जो उसकी निगरानी में है। तो माँ बाप से बढ़ के निगरान कौन होगा और औलाद से बढ़ के उनकी निगरानी के अंदर कौन होगा? औलाद जो है वो तो टोटल डिपेंडेंट होती है अपने माँ बाप के ऊपर। माँ बाप उनको मदरसे में दाखिल करा दे तो माँ बाप की मर्जी है, वो उसे स्कूल में दाखिल करवा दे तो उनकी मर्जी है, वो उसे नेकी सिखाने वाले स्कूल में दाखिल करा दे तो उनकी मर्जी है, वो उन्हें डांस और गाने वाले स्कूल में दाखिल करा दे तो उनकी मर्जी है। बच्चे के अंदर तो फैसले की कुव्वत नहीं होती, वो तो अपने फैसले नहीं कर पाता, बड़ा होता है समझ बूझ आती है तो अपने फैसले शुरू करता है, वरना दुनिया के अंदर 3-4 साल का बच्चा जो है उसको उसके माँ बाप भी फैसला करते हैं। तो लिहाजा ये माँ बाप जो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर भेजते हैं कि जहाँ पर उनको गुनाह की तरबियत दी जा रही है, तो बच्चों को गुनाह तो नहीं होगा नाबालिगी की उम्र में, लेकिन उनको भेजने वालों को गुनाह ज़रूर होगा। तो लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, दीन ने तो उनको रुतबा ये दिया है कि तुम अच्छी तरबियत करो, उनको जिम्मेदारी ये दी है कि तुम अच्छी तरबियत करो। हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया कि वालिदैन की तरफ से, वालिद की तरफ से औलाद के लिए बेहतरीन तोहफा ये है कि उसे अच्छे आदाब सिखाए। सुभान अल्लाह। और अच्छे आदाब के अंदर अदब दीन जो है, दीन का अदब जो है ये सबसे मुकद्दर, ये सबसे फौकियत रखता है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी तो ये है, और ये उल्टा उसको उठा के नाचने वाला बना दें या नाचने वाली बना दें, उसको गाने वाला बना दें या उसको गाने वाली बना दें, तो ये तो अपनी जिम्मेदारी से बगावत जुदा है और उसके साथ जो गुनाहे जारिया का सिलसिला है वो जुदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।